नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप सबको पता होना चाहिए उन क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आपने MTS से संबंधित प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी क्वेश्चंस का लाभ उठाइए। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सोते समय रक्त दाब घटता है, तो आपको ये याद रखना है कि सोते समय क्या होता है, रक्त का जो दाब होता है वो हमेशा क्या होता है, घटेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो हमसे पूछता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो हमको इसका साल याद रखना है 1789। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। तो एग्जाम में हमसे ये पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था या किस देश का व्यक्ति था, तो वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो था फ्रांस का निवासी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी। तो एक तो आपको याद रखना है इनका नाम, मोहम्मद बिन तुगलक। आप इस नाम को पेन डाउन करेंगे और अगला जो नाम है वो है दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हम आगे चलते हैं कि संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर रहा है आपसे, ठीक है, सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी ने चलाया था या शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान में है, जो शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि रणथंभौर कहाँ पर है, ये है राजस्थान में, और ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है आपका बब्बर शेर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करी थी। जो भारत जो थी, भारत की राजधानी क्या है बच्चों, दिल्ली, ठीक है ना। और ये जो घोषणा करी थी लॉर्ड हार्डिंग ने करी थी। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, तमसो मा ज्योतिर्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने करा था। लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। पूछेगा लीबिया कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है अफ्रीकी महादेश में। अफीम युद्ध, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा शायद ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं, जिसको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप पैन डाउन करना मत भूलिए। अगर पैन डाउन करने का अगर आप कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को तुरंत आप हैंड टू हैंड याद कर लें।
ये किस किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। अगला क्वेश्चन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कासा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चुंबकीय प्लस का मात्रक वेबर है। पोलियो के टीके का निर्माण किसने करा? जॉन सॉल्क। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट अभी जॉन सॉल्क। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे की मैरीना भेड़ की एक नस्ल होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो वो दिलाता है शपथ वहाँ का स्टेट का राज्यपाल। रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत एक उत्तराखंड का एक स्थान भी है, लेकिन यहाँ पूछा है रानीखेत जो डिजीज है, रोग है, किसमें होता है, किसमें पाया जाता है, तो ये जो रोग है वो है मुर्गी से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रष्ट रोग का संबंध किससे है? गेहूं से। किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। किस प्रकार के रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? किडनी का जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसको हम क्या रखते हैं? डायलिसिस पर। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से था। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। जब भी हम किसी इमोशनली चीज़ से अटैच हो जाते हैं और जो वो चीज़ हमसे डिटैच होती है, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आंखों में से आंसू बहते हैं, उस टाइम पर कौन सी ग्रंथि वर्क करती है हमारी? उस ग्रंथि का नाम क्या है? उस ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। क्या नाम है उसका? लैक्रिमल ग्रंथि। हमको पता है कि हम रो रहे हैं, आंखों से आंसू आते हैं, आंसू तो आंखों से आते हैं, लेकिन उसके बैक एंड में कोई ग्रंथि काम करती है, उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो उस ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। अगला है क्वेश्चन कि चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है। वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड 1925 के लिए फांसी दी गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? इसके साथ एक वर्ष याद करिए, 1925 में हुआ था। किसको फांसी की सजा दी गई थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं विकिरण विधि। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका भी एग्जाम एमटीएस का है। और अगर आप सीजर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए। अगर पता है तो ये वीडियो आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें या फिर ना करना चाहें, उससे पहले आप एक काम करिएगा, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और ध्यान से एक एक वीडियो को देखिए। उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये चैनल यूजफुल है या फिर नहीं है। अगर यूजफुल हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? सीधी खड़ी लंबी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो हम बोलते हैं, ये क्या ध्वनि है? एक साउंड है। तो ये तरंगे किस टाइप की तरंगे होंगी? ये होती है लंबवत। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? जनरल होता है। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग करा जाता है। यहाँ बात कर रहा है कैमरे में। कैमरे में हमेशा क्या होता है? उत्तल लेंस का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। एक्सरे का शोधक रोंटेजन था। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? हम अगर 1 मिनट में सांस लेते हैं, हमसे पूछा गया तो हम कितनी बार लेंगे? हम लेंगे 16 से 18 के बीच में। लेकिन हमको ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो कोई बात नहीं, आप या तो 1 मिनट तक सांस लेके देखिए नॉर्मली कितनी बार लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो होता है साइंस के अकॉर्डिंग 16 से 18 बार आप लेंगे सांस। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप काफ़ी फेमस द्वीप है और एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आई होप आपको पता होगा। अगर पता हो तो नोट मत करना, पैन डाउन मत करना, राइट डाउन मत करना। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आलस मत करिए, पेन पेपर उठाइए। अगर आपने अब तक पेन पेपर नहीं उठाया, ये कष्ट आपने अब तक नहीं करा है, तो आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है, आप कितने सीरियस स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार अपने आप से पूछना, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, देश में स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। एशिया का क्षेत्रफल 44.3 मिलियन मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया की बात कर रहे हैं, भारत किसमें पड़ता है आपको पता है, भारत भी एशिया का एक भाग है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी गई थी, कौन से अधिवेशन में रखी गई थी, एग्जाम में ये पूछता है। तो आपको याद रखना है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1929 में। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, आपको पता होगा। और ये अधिवेशन हुआ था बच्चों 1929 में, और इस टाइम पे इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की पहली बार मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है आंवला। अगर विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन के से क्या होता है, खून का थक्का जमना, जो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है विटामिन के। अगर बात करूँ मैं विटामिन के हमारे कौन सी वेजिटेबल में होता है, तो अगर आपको विटामिन के मैक्सिमम अपने बॉडी में लेना है, विटामिन के की कमी हो चुकी है, तो आप मैक्सिमम टमाटर खाइए, क्योंकि टमाटर में विटामिन के होता है। नारी स्पंदन मात्रा मात्रक गति है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खान। जवाहर सुरंग नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात एक्चुअली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये जल काफी फ्लो के साथ ऊपर से नीचे गिरता है और पानी से टकराता है, तो छोटी छोटी बूंद जब धरती पर पड़ती है, पत्थर पर पड़ती है, तो उसकी छोटी छोटी बूंदें पूरे एरिया में फैल जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उस एरिया के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में किसी ने धुआं छोड़ दिया हो, एक कुहासा सा बन जाता है, एक फॉग बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। और ये किस नदी पर स्थित है, यह है नर्मदा नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। सार्स, सॉरी सार्स या सार्स, सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। देखिए सोने के आभूषण जो भी आप गले में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, जो भी हम गोल्ड के आइटम पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसको बनाते समय उसमें तांबे की मात्रा मिलाई जाती है। कौन सी मात्रा मिलाई जाती है, वो होता है तांबा। आपको एग्जाम में ऑप्शन देगा कुछ इस तरह से, जैसे कि चांदी, तांबा, अभ्रक या फिर अलग मेटल, बट आपको याद रखना है तांबा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना सीएन टावर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। बांग्लादेश का सर्जन कब हुआ, 1971 में। वायुयान जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उन टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हीलियम गैस। और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, जो हवा में उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें भी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा,
पूछेगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है बाबर। जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 में हुई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है? ड्यूरेटिक। भारतीय रुपए को अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार। जी हाँ बच्चों, क्या भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो दोस्तों या प्यारे बच्चों, ये वीडियो बस यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MTS की तैयारी कर रहे हैं या फिर CGL की, उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा। और जाने से पहले मैं आपसे बस केवल यही कहना चाहूँगा, हिम्मत मत हारना। लाइफ में कभी भी वो हार नहीं होती, लाइफ में कभी भी वो हार नहीं होती। अब आप ये बोलोगे भाई हार कैसे नहीं होती, क्योंकि हार इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो हार कभी नहीं होती। लाइफ में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जीत या फिर सीख, या तो जीत या फिर सीख। हार कभी नहीं होगी। अगर आपने सीख नहीं ली, अगर आपसे कोई गलती हो रही है, सब्जेक्ट अब कोई भी वीक है, अगर आपने उससे सीख नहीं ली, सीख कैसे लेनी है? अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, मैथ को ज़्यादा टाइम दोगे तभी तो मैथ अच्छा होगा। लाख बार 100 बार बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मैथ में मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। अरे भाई, पता चल गया ना कि मैथ में कमज़ोर हो, अब एक्शन टेकन क्या करना है, इसमें एक्शन क्या लेना है? कोचिंग ज्वाइन करनी है, कोचिंग ज्वाइन करो, किसी बुक परचेज करके बुक में से पढ़ना है, बुक पढ़ो। भाई रटने से, रोने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा से ये नहीं दिखता कि आप कितना रो रहे हो बैठ कर, कि आपका सच में मैथ वीक है। भाई बंटी का ना मैथ काफ़ी वीक है, चलो भाई इसको मैथ से पास कर लेते हैं। वहाँ सब बच्चे बराबर हैं, आपको उन तक पहुँचना पड़ेगा, पूरा प्रयास करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है बच्चे, याद रखना, कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करना, बस ये समझना उस टाइम पे कि अब मैं इसमें से क्या सीख ले सकता हूँ। ठीक है, सीख लीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।